हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल अफरान यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जो कोई भी नया हो इस वीडियो को देख रहा हो, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, आज हम रिपेयर करेंगे हाइकोगी का हाई प्रेशर वाटर पंप, जो कार वगैरह धोने के लिए, सर्विस करने के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे सर्विस स्टेशन में जो कार वॉशिंग सर्विस होती है उसमें यूज़ होता है। कार, बाइक, सब कुछ इसमें सर्विस कर सकते हैं। देखिए, इसका पंप जो है ख़राब हो चुका था, इसमें जो बेरिंग आती है सब कुछ फूट चुकी थी। इसकी मोटर अच्छी है, इसके मोटर में कार्बन ब्रश वगैरह चेक करके मैंने साइड में रख दिया। इसके कार्बन ब्रश वगैरह सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ मैंने खोल के रखा है पहले से, क्योंकि बहुत मेहनत लगी इसको खोलने में। सब कुछ जाम हो गया था, वीडियो नहीं बना पाया इसका, क्योंकि भाई ये कस से काम भी नहीं होता और इसको खोलने में भी बहुत मेहनत लगी, इसलिए मैंने इसको वीडियो नहीं बना पाया। देखिए, आप बेयरिंग देख सकते हैं पूरी फूट गई है, पूरा पीस पीस हो चुकी है। ये इसका बास देखिए आप, पूरा बास भी जो है पूरा पीस पीस हो चुका है, इसलिए मैं इसको टाटा बेयरिंग लेके आ गया। टाटा बेयरिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें इसको सारा फिट करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसको बेयरिंग को बिठाने से पहले दोस्तों आपको इसको अच्छी तरीके से ग्रीस करना होगा। ये इसकी वाटर सील है, इसकी वाटर सील बिठाना है। इसकी वाटर सील क्यों बिठाना है दोस्तों, इसके पंप के अंदर जो पानी जो सर्कुलेशन होता है वो हमारे मोटर में ना जाए। जो इलेक्ट्रिक मोटर है जो इस गियर बस को फिराती है, उस मोटर में ना जाए, इसलिए इसके सील को लगाना होता है। इस बेयरिंग को मैंने उल्टा बिठाया है, आपको बस देख रहा हूँ कि ये बेयरिंग बैठेगी या नहीं। ये बेयरिंग जो है बैठेगी दोस्तों, इसको मैं बिठा लेता हूँ। देखो, मैंने बिठा लिया इसको, इसको ग्रीस लगा के बिठाया मैंने दोस्तों। आपको भी इसमें ग्रीस जो है अच्छे से लगा कर बाद में बिठाना है। ओके, ये इसका काग है, या फिर इसको गियरिंग या गियर बॉक्स बोलते हैं। इसके गियर है, गियर व्हील को बिठाना है इसको। इसके गियर व्हील दोस्तों आपको इसमें ग्रीस लगा कर बिठाना है, कि मैं कैस्ट्रोल का ग्रीस लेके आया हूँ। इसमें आपको अच्छी तरीके से इसमें ऐसा भर देना है ग्रीस को। ग्रीस को लगाने के बाद देखिए, ये मोटर बहुत ही हाई स्पीड मोटर होती है। ये इसमें अच्छे से गियर, अच्छे से इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट करना होता है, कहीं पर भी लूज नहीं छोड़ना होता। बहुत वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने की वजह से स्क्रू निकल जाता है। इसको अच्छे से टाइट करना है आपको, जितना हो सके उतने अच्छे से, कोई भी स्क्रू जो है स्लिप नहीं छोड़ना है। जो ट्रेड वगैरह स्लिप हो चुका होता है उसको सही करके आपको बिठाना होता है। आप ऐसे ही बिठाएंगे, बस थोड़े लोग बिठा देते हैं यहाँ पर एक अपोजिट एक बिठा के छोड़ देते हैं, वैसे में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है। इसको चारों स्क्रू को आपको बिठाना होगा यहाँ पर। इसको आपको अच्छे से टाइट करना होगा, लेकिन मैंने इसको सब कुछ टाइट कर लिया है। यह है सेक्शन पाइप बोलते हैं इसको, सेक्शन सेट का पाइप है, इसको मैंने बिठा लिया यहाँ पर। यहाँ से पानी खींचता है मोटर, यहाँ से पानी खींचता है और उस वाले पाइप से जो है पानी डिलीवर करता है। हाई प्रेशर से पानी आता है दोस्तों, इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा, अगला वीडियो यही आएगा। जल्द से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए इसका अगले वीडियो डालूं या नहीं। उसको चला के बताऊंगा इसका प्रेशर को, कितना प्रेशर आता है इसमें। मैं अपनी बाइक वगैरह धो के बताऊंगा इसमें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।